मॉर्निंग गाइस, हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है आरटीके ब्लॉग। अभी 6:30 बज चुके हैं सुबह के, तो मैं अभी आप लोग को लेके जाने वाला हूँ ऐसी जगह जहाँ हमको अनचल धन सब मिलता है। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमको अनचल धन दे सकती है। हम लोग निकल चुके हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए और इन नज़ारों का लुत्फ उठाइए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल पे सेट कर दीजिएगा दोस्तों। क्या बात है दोस्तों, आज दिन बहुत अच्छा है। ये देख सकते हैं गौ माता के दर्शन हो गए, हमारे तो भाग्य ही खुल गए भाई साहब। क्या बात है, क्या बात है, ये देखिए मज़ा ही आ गया दोस्तों। कैसे आराम कर रही है, मौसम थोड़ा ख़राब है, पानी आ रहा है, तो इसको अभी खोले नहीं है, बांध के रखे हैं, फिर चराने ले जाएंगे हमारे किसान भाई। हा हा हा, कितना मनमोहक नज़ारा है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। इधर एक छोटा बछड़ा, कितना ही सुंदर दिख रहा है दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें जल अन्न धन दे सकती है, तो गाइस सबर कीजिए और तुरंत अभी मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इंतजार की घड़ी होती है समाप्त और अभी हम दिखाने वाले हैं आपको वो जगह जो अंधल और जल दे। तो दोस्तों वेलकम करते हैं उस जगह को और ये है वो खेत। ओह माय गॉड, वाओ, ये हमारी धरती माता ही हमें अन्न जल धन देती है। ये रहा मेरा खेत, देख सकते हैं दोस्तों कितना हरा भरा है। मैं यहाँ इसीलिए आया था क्योंकि थोड़ा सा काम बचा हुआ था, मैं मेड़ बांधा था, देख सकते हैं ये यहाँ पे ये मेड़ बांधा था, यहाँ से पानी निकल रहा है और ये सीधे खेत की ओर आ रहा है। ये इसमें ये देख सकते हैं ये ऐसे और धान बर्बाद कर रहा है, तो मैं उसी को बनाने के लिए आया हूँ। मेड़ बांधना है, हर किसान भाई को ऐसे अपना मेड़ बांध के रखना पड़ता है। तो दिल से सैल्यूट है उन किसान भाइयों को जो अन्न जल धन कमा के हमें देते हैं, पूरे इंडिया का पेट भरते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं। तो गाइस हमारे पास ऐसे कोई इक्विपमेंट तो है नहीं कि मैं अपने मोबाइल को कहीं पे रख सकूं। फिलहाल तो दोस्तों मैं ज़मीन पे रख दिया हूँ और ये जो मिट्टी है उससे मेड़ बांध रहा हूँ। इस तरह से मिट्टी निकाल निकाल के खेत में मेड़ बांधा जाता है। तो अभी जो धान की खेती हुई है उसे पानी की आवश्यकता बहुत होती है, इसीलिए हर किसान अपने खेत में पानी जमा करके रखता है जैसे फसल बर्बाद ना हो। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से ये मिट्टी निकाल के बाउंड्री बनाते हैं। अगर दोस्तों हम लोग ऐसे मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, मेहनत करना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो गाइस यूट्यूब मैंने इसीलिए चुना है ताकि मैं अपनी आर्थिक समस्या को सही कर सकूं। तो ये है खेत का मेड़, ये डैमेज हो चुका है, फिर भी हम चलने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं धान का पौधा, ये भी कुछ टाइम के बाद इसमें धान की बालियां निकल जाएगी और इन्हीं पौधों में से हमें धान मिलेगा जिसको मेहनत कर काटना पड़ेगा, मीसना पड़ेगा और उसमें से चावल निकालना पड़ेगा। तो ये दोस्तों बहुत लंबा काम होता है, तब जाकर दोस्तों हमें साल भर खाने के लिए अनाज
मिल पाता है। कुछ दिन पहले मैं आया था पानी बांधने, तो ये रहा, यहाँ पे मेड़ बांध चुका हूँ, ये अभी पानी भरपूर है। दुआ करता हूँ फसल अच्छी हो, इसको थोड़ा रिपेयर और कर लेते हैं। तो गाइस, अगर आपको धान चाहिए, चावल चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सब सब्सक्राइब करते हैं तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही हर एक किसान के पास खेत होता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा क्यों ना हो, इसी में मतलब मेहनत करके आप लोगों के लिए फसल उगाते हैं। कोई भी फसल रहे हो, चाहे धान रहे, गेहूँ रहे, या दाल का रहे, या कुछ का भी रहे, तो दोस्तों मेहनत करके तो निकालता है, फिर उसी को बेचता है। बेचने के बाद में आप लोग तक ये जितना भी माल मटेरियल है ये सब पहुंचता है, आप खरीदते हैं, बदली में किसान के लिए कुछ चंद पैसे दे दिया जाता है, बस इतना ही है दोस्तों। चाहे वो किसान कोई भी मज़हब का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ऐसी मेहनत एक ही बराबर होता है, लगाना, हल जोतना, चाहे बैल से चाहे ट्रैक्टर से, वो अपने अपने साधनों के ऊपर रहता है। तो मेहनत करके वो फसल लगाता है और जो अपने भारतवासी हैं उनका पेट पालता है। तो गाइस, हर किसान को दिल से सैल्यूट है। तो आप लोग भी लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है। तो दोस्तों, एक बात तो बोलना भूल ही जा रहा था, क्योंकि भारत या चाहे कोई सी भी देश हो, वहाँ की अर्थव्यवस्था को चलाने और उनका जितने भी आम पब्लिक गण हैं उनका पेट भरने में इनका बहुत योगदान रहता है, किसान भाइयों का। अगर हम कुछ भी खाएं ना या पिए ना या कुछ अन्न जल ना मिले, तो आप सब जानते हैं दोस्तों अपनी हालत कैसे हो जाती है, हम कितने तड़पने लगते हैं दोस्तों। अगर किसान ना हो और काम ना करे तो हमारे जीवन में क्या होगा, भूखे प्यासे हम जी नहीं सकते। तो हमें डेली कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए होना चाहिए। तो ये किसान भाई मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद में हमारा पेट भरते हैं, तभी हम कुछ भी काम कर सकते हैं। चलते हैं, भूख भी बहुत तेज लगी है क्योंकि ब्रश भी नहीं किया अभी मैंने। तो अब वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि अपना काम भी हो चुका है और निकलते हैं हम अपने घर की ओर।